नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। इस बार गणतंत्र दिवस पर आर्यव्रत ग्रामीण बैंक दिव्यांग व महिलाओं के लिए विशेष पैकेज लेकर आई है। ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यव्रत के चेयरमैन एसबी सिंह ने क्षेत्र प्रबंधक संजीव कुमार व सेवानिवृत्त क्षेत्र प्रबंधक अशोक श्रीवास्तव एडवोकेट की मौजूदगी में बताया कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर सभी शाखाओं में एक एक दिव्यांग व एक एक महिला को काफी कम ब्याज पर बैंक लोन मुहैया कराकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेगी और रोजगार परक बनाने की पहल करेगी। 26 जनवरी हम लोगों के लिए बहुत ही पावन दिवस होता है, जिस दिन हम लोगों का संविधान लागू हुआ। संविधान में कुछ विशेषताएं हैं कि जो हमारे समाज के पिछड़े हुए लोग किसी तरीके से रह रहे हैं आर्थिक रूप से, उनको हम लोग समाज में एक उचित स्थान दें। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस बार हम लोगों ने कोशिश की है कि हमारी हर शाखा अपने क्षेत्र में रहने वाले एक दिव्यांग और एक डिस्ट्रिक्ट वुमेन को किसी न किसी तरीके से हमारे ऋण सुविधाओं से जोड़े, जिससे वो अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से कर अपनी आर्थिक प्रगति कर सके। ये केवल एक हमारा टोकन टाइप का एप्रिसिएशन उन लोगों के लिए है जो इन विभिन्न परिस्थितियों में जो एडवर्स उनके हैं उसके साथ काम कर रहे हैं। और इस तरीके से हम चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में रहने वाले जितने इस तरीके के दिव्यांग लोग हैं या महिलाएं हैं जो अपना काम करना चाहती हैं, हमारे इस विशेष अभियान से जुड़ें और हमारी बैंकिंग सुविधाओं का पूरा लाभ उठाएं। कितनी शाखाओं में ये कार्यक्रम आयोजित होगा? ये हमारी 705 ब्रांचेस हैं, हर ब्रांच में होगा और हर ब्रांच 26 तारीख को कम से कम दो लोगों को, एक दिव्यांग और एक महिला को ऋण प्रदान करेगा। जो ऋण प्रदान किया जाएगा इसमें कुछ विशेष छूट इन लोगों इसमें विशेष छूट ये होगी, जो हमारे दिव्यांग भाई हैं इनको 5 लाख तक का ऋण हम 5-6% ब्याज दर पर देंगे। जो महिलाएं हैं उनमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, इनको भी हम 5-6% की ब्याज दर पर ऋण देंगे। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।